इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में यंगस्टर के साथ क्या किया जाता है और इंडिया में यंगस्टर के साथ क्या किया जाता है। इन दोनों कंट्रीज के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों इंडिया आज क्रिकेट में आगे है, उसकी वजह क्या है, उनकी मेन वजह क्या है। मतलब इतने बड़े बड़े नाम हर साल में इंडिया के जो है ना इंडिया की तरफ से सामने निकल के आते हैं, पाकिस्तान की जानिब से कई सालों बाद एक नाम आता है लेकिन वो भी उसको भी ऐसे डेब्यू करा दिया जाता है कि समझ से बाहर है। तो ये मेन डिफरेंस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में या क्रिकेट में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने लगा, उस एग्जाम्पल को सोच से गौर से समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आज सायमन युग की डेब्यू हो गई, तो सायमन युग की पहली बात करते हैं, फिर इंडिया की भी जो है ना बताता हूँ कि क्या है इंडिया की तरफ से किसकी डेब्यू हुई। सायमन युग का डेब्यू मैच है ऑस्ट्रेलिया में, पहले मैच में होना काम, पहले इनिंग्स में होना काम हुए, 0 पे और आउट हुए। दूसरे में पता नहीं है कि सायमन युग क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि सायमन युग दूसरे इनिंग्स में भी अगर नाकाम होते हैं तो सायमन युग के साथ क्या क्या जाएगा, टीम से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे पड़ोसी मुल्क है मतलब इंडिया, साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट मैचेस इंडिया भी खेल रही है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेलने गया हुआ है। इंडिया ने जायसवाल को पहले टेस्ट मैच से ही अपने स्क्वाड में शामिल किया, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल के होने के बावजूद भी जायसवाल से वो ओपनिंग करवा रहे, शुभमन गिल को वन डाउन खिला रहे, लेकिन उन्होंने अपने यंगस्टर को पूरे का पूरा मौका दिया, मतलब जगह दी और जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं वही पोजीशन दी कि ये 3 टेस्ट मैचेस आपके लिए, ये अकेले परफॉर्मेंस दिखाई, आप में क्या टैलेंट है। शुभमन गिल जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है उसको वन डाउन पे उसकी पोजीशन चेंज की है। पाकिस्तान में क्या है कि सायमन युग को आखिरी मैच में डेब्यू करवाया जा रहा है, वहां इंडिया जायसवाल को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले मैच से ही खिला रही है, 3 टेस्ट मैचेस खिलाने का जो ना उन्होंने सोचा हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो कि इंडिया के क्रिकेट में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। इंडिया के जो क्रिकेटर्स है, जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी माइंड क्लियर है कि हमने किस प्लेयर के साथ कैसे चलना है। ये नहीं है कि आखिरी मैच में इसको खिला के सबके मुंह बंद कर देंगे, बस सही है यार उसने तो परफॉर्मेंस ही उससे नहीं हुई। उन्होंने यंगस्टर जो नए लड़के आते हैं परफॉर्मेंस दे के आते हैं उनको प्लेयर कैसे बनाना है वो पूरा मौका देते, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस से यही कहना पड़ता है कि एक सैम अयूब काफी अरसे बाद एक यंग टैलेंटेड लड़का आया हुआ है, उसको अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खिलाना ही था तो पहले टेस्ट मैच से आप उसको मौका देते, पहले टेस्ट मैच से आप उसको खिलाते, 3 टेस्ट मैच उसको खेलने को मिलते, तो उसके बाद आप जो है ना अगर सायमन अयूब को बाहर करते टीम से या सायमन अयूब के हवाले से कोई स्टेटमेंट देते तो वो आपकी जायज थी, आपके लिए आपकी मतलब सही कहते। लेकिन अभी एक टेस्ट मैच के बाद अगर आप सायमन अयूब के बारे में स्टेटमेंट दे कि सायमन अयूब में टैलेंट नहीं है या सायमन अयूब नाकाम हुए हैं, ये गलत है। सायमन अयूब के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की गई है। एक ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया गया, मानता हूं यंगस्टर को चांस दो लेकिन प्रॉपर चांस दो, सिर्फ एक मैच के लिए जो है ना उसको नहीं एक मैच में शामिल करो। अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अब दोबारा जो टेस्ट मैचेस है वो 1 साल बाद आने वाले, तो मतलब एक मैच खिला के 1 साल बाद अब सायमन अयूब पता नहीं दोबारा स्क्वाड में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बस डेब्यू करा दिया पाकिस्तान की जानिब से, मौका दे दिया गया लेकिन उसने परफॉर्मेंस नहीं की। अब एक मैच से किसको आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, एक मैच से किस को आप जज कर सकते हो कि ये हमारा फ्यूचर का स्टार। तो यही डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में, वहां पर इंडिया अपने यंगस्टर को मौका देती है, अपने बड़े जो लेजेंड प्लेयर है उनको बेंच पे बिठा देते हैं कि हमारे यंगस्टर सामने है, यहाँ पर हमारे जो अच्छे प्लेयर है मतलब जो जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए वो दे चुके हैं उनको तो बेंच पे बिठाओ यार, यंगस्टर को मौका दो। जब कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का इवेंट हो तब जाके आप जो है ना अपने लेजेंड्स को सामने लेकर आए। ये डिफरेंस आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो अगर ये एग्जाम्पल मैं जो बात कर रहा हूं अगर आप मेरी बात से इग्री करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर मेरी बात से आप इग्री नहीं करते हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हो इस हवाले से, और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।